नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। देखिए मैप बना हुआ है, वर्ल्ड लेवल का ज्योग्राफी चल रहा है, मैपिंग चल रहा है। ज्योग्राफी में क्या है मैपिंग, तो किस तरीके से पठारों का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यह तो पठारों को अरेंज करने देता है नॉर्थ से साउथ, या साउथ से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, कुछ भी दे सकता है अरेंज करने के लिए। या तो फिर उसका जो टोटल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से अरेंज करने देता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो जो इम्पोर्टेंट रहता है ओनली वही पूछता है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, हजारों से अधिक पठार हो जाएंगे, तो संभव नहीं है उसको याद कर सके। तो छोटे छोटे पठारों को छोड़ के जो मेजर मेजर पठार है उसको पढ़ना रहता है। पठार होते क्या है पहले थोड़ा सा समझना होता है। पठार कि पठार अपने आस पास के क्षेत्र से एकदम ऊंचा उठा भूभाग रहता है। अगर ये समतल क्षेत्र मान लेता हूं मैं, एकदम सपाट क्षेत्र, ये समुद्र का आधार तल है, ये इससे ऊंचा उठा भूभाग है, ये इसका जो शीर्ष भाग है, ध्यान देना यहीं पे कि जो शीर्ष भाग है वो सपाट है, एकदम प्लेन, जबकि पर्वतों का शीर्ष भाग क्या रहता है, शिखर युक्त रहता है। ये पर्वत हो गए क्योंकि ये भाग है शिखर युक्त, और दोनों के कगार क्या है, ढाल वाले हैं। ये कगार है, इसका भी कगार है, ढाल वाला है, लेकिन इसका शिखर है पर्वतों का और इसका सपाट है। इसकी ऊंचाई पठारों से, पर्वतों से कम होती है। पठारों की ऊंचाई कम है, पर्वतों की ऊंचाई अधिक है। बनते कैसे, अलग अलग तरीके से बनते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पे, अर्थात प्लेटों के आधार पे, कि प्लेट टेक्टोनिक्स से बन रहे हैं ये, ज्वालामुखी उद्गार से, या तो ज्वालामुखी का उद्गार हो जाए, ज्वालामुखी ऊपर से उठाए किसी चीज को तो गुंडाकार रूप धारण कर ले ऐसे करके, तो मेघमा लावा से बन सकते हैं पठार, अवसादों से बन सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से। इसके अलावा तापमान में अंतर के कारण ही बन जाते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, कि जो खनिज पदार्थ है वो तापमान को एब्जॉर्ब कर रही है, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। अलग अलग फैक्टर है बनने के, या फिर नदी द्वारा अवर्धन किया जाए कोई भूभाग का, कि नदी अवर्धन कर रही है, ग्लेशियर अवर्धन कर रहे हैं, वायु अवर्धन कर रही है, धीरे धीरे कोई भूभाग कट रहा है, तो अवर्धन हो, प्लेट टेक्टोनिक्स हो, ज्वालामुखी उद्गार हो, या तापमान का एक्सपेंशन हो, अलग अलग भूगर्भिक प्रक्रियाओं के द्वारा पठारों का निर्माण होता है। ये पठार वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ लेंगे, ये वीडियो देखेंगे इसमें। फिलहाल हमारा जो फोकस है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कहाँ कहाँ पे है, मेजर मेजर पठार। तो जो मेजर मेजर पठार है ये तो पर्वतों के बीच में है, कि पर्वत है इसके बीच में मिलेंगे आपको, ये पठार मिलेगा, दोनों साइड पर्वत, इसके बीच में पठार, या पर्वतों से दूर सिंगल पठार के रूप में मिलेगा जो ज्वालामुखी उद्गार से बना होगा। तो ये भी है, जरूरत नहीं है कि पर्वतों के पास ही पठार मिले। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा पठार है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है तिब्बत का पठार, ये मिलेगा तिब्बत का पठार यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे, तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर का है तिब्बत का पठार। तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर करेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। अगर हाइट की बात करें तो 4500 मीटर से अधिक की हाइट है इसकी। तिब्बत कहाँ है, चाइना में है, इसकी राजधानी ल्हासा है और भारत को भी टच करता है, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान से लेके चाइना तक में विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ है तिब्बत का पठार। काफी सारी मेजर मेजर नदियां निकलती है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हवांगो नदी, इरावती नदी, चारों दिशाओं से नदियां भी निकल रही है। ये भी नोट करना है आपको कि तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 4500 मीटर की हाइट है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसे विश्व का छत बोलते हैं, रूप ऑफ वर्ल्ड, छत है, विश्व का छत है। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तिब्बत का पठार को, तो सेकेंड नंबर पे फिर आपको भारत में ही आना है, दक्कन का पठार ऐसे करके मिलेगा, त्रिभुज के आकार का भारत में है दक्कन का पठार। इसको नोट करेंगे आप, दक्कन, दक्कन का पठार भारत में है, तो त्रिभुज के आकार का है ये। पुनः अमेरिका में आइए आप, ये मैक्सिको है, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार,
इसके ऊपर जाएंगे कोलोराडो का पठार, कोलोराडो, कोलोराडो नदी बहती है, कोलोराडो का पठार है, और यहाँ पे मिलेगा कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, ये मैक्सिको का पठार, ये सबसे बड़ा पठार है। दक्षिण से स्टार्ट करेंगे आप तीनों, अमेरिका में जाएंगे, उत्तरी अमेरिका के तीन बड़े बड़े पठार, मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है, कोलोराडो का पठार इसके ऊपर मैक्सिको के ऊपर, और इसके ऊपर कोलंबिया का पठार, यहाँ पे आएंगे तो युकान का पठार, युकान नदी बहती है अलास्का में है, युकान का पठार, सबसे बड़ा पठार मैक्सिको का पठार, अरेंज कर लेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है मैक्सिको का पठार, फिर कोलोराडो का पठार है, तो कोलोराडो का पठार सेकंड नंबर पे है। इसमें अगर अमेरिका में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो मैक्सिको का पठार, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर कोलोराडो का पठार, इसके बाद कोलंबिया का पठार, तब जाके युकान का पठार। लाइन से चलेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर, न कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे क्षेत्रफल में। फिर आपको मिलेगा एक पठार इथोपिया हाईलैंड में, और ईस्ट अफ्रीका पठार, ये दोनों इथोपिया हाईलैंड, हाईलैंड का मतलब पठार होता है, तो इथोपिया आइलैंड और पूर्वी ईस्ट अफ्रीका का पठार, कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी झीलें मिलती है, जैसे विक्टोरिया झील आप देखेंगे, फिर टंगानिका झील देख लेंगे आप, न्यासा झील, तो झीलें हैं, पठार है, इसके बीच में झीलें मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा कांगो में कटंगा का पठार, तो कांगो का कटंगा का पठार कभी कभी पूछता है कहाँ पे है कटंगा का पठार, कटंगा का पठार है कांगो में, कटंगा किस लिए जाना जाता है, कटंगा का पठार तांबे के लिए, बहुत सारे खनिज मिलते हैं तांबा विशेष कर, कहाँ पे है कांगो, तो कांगो में कटंगा का पठार तांबे के लिए जाना जाता है, अन्य भी खनिज जितने भी बहुमूल्य खनिज है यहाँ मिलेंगे कटंगा के पठार में, हीरा ही मिलेगा, यूरेनियम भी मिलते हैं, टीन भी मिलेंगे, सब मिलेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट, अफ्रीका के पूरा ही पोर्शन पठार है, लेकिन इसमें इथोपिया हाईलैंड, ईस्ट अफ्रीका का पठार, कटंगा का पठार ऐसे कर लेंगे, अमेरिका का ये तीन हो गया पठार, सॉरी चार है, युकान का पठार भी है, चाइना में यहाँ पे मिलेगा आपको, चीन में तिब्बत के पठार के ईस्ट साइड आप जाएंगे तो आपको मिलेगा लोएस का पठार, लोएस पीली मृदा है, अब सादी है, पीला रंग का रहता है, इसको नदियां काटती है और अपने साथ ले जाती है, ढोती है, रिजल्ट है जो नदी पीली रंग की रहती है उसे हवांगो नदी बोलते हैं, तो चाइना में हवांगो नदी इस लोएस के पठार का मृदा काट काट के अपने साथ ले जा रही है। बना कैसे है लोएस का पठार, तो बना है वायु के द्वारा, काटता कौन है लोएस के पठार को, वायु काटती है, वायु आवर्धन कर रही है लोएस के पठार का, निर्माण भी हुआ है लोएस के पठार का वायु के द्वारा, तो लोएस पूछता है किस रंग का है, तो बोलना आपको पीला रंग का है, कहाँ पे है तो चाइना में है, चीन में, चाइना में तीन पठार, एक तो लोएस का पठार हो गया, तिब्बत का पठार, एक दक्षिण चीन में आपको मिलेगा म्यांमार के पास, यहाँ पे इस वाले इलाके में कौन सा पठार मिलेगा, यूनान का पठार, यूनान, यूनान देश नहीं करना है, यूनान का पठार है, कहाँ पे है दक्षिण चीन में, दक्षिण चीन में, इराप्ती नदी, सालवीन नदी, मेकांग नदी बह रही है यूनान के पठार से, तो यूनान का पठार दक्षिण चीन में है, कोयला भी मिलता है यहाँ पे, तो चाइना की तीन पठार, लोएस का पठार, यूनान का पठार और तिब्बत का पठार, कटंगा पता चल गया आपको, कटंगा का पठार कहाँ पे है, इसके साथ आ जाइए जर्मनी में, दो पठार है, वो है जर्मनी कहाँ पे, यूरोप में है, तो जर्मनी में दो पठार का नाम आपको याद रखना है, बोहेमिया का पठार, बावेरियन पठार,
जर्मनी देखिए उत्तरी सागर को टच करने वाला भी देश है, बोहेमिया और बाबेरियन, ये दोनों पठार है। तो बोहेमिया का पठार, बावेरियन पठार जर्मनी में मिलता है, लोहा कोयले के लिए जाना जाता है, काफी सारे सिटी बसे हुए हैं इस पे। तो जर्मनी में दोनों लिखना है आपको, बोहेमिया का पठार और बावेरियन पठार, जर्मनी में छोटे छोटे पठार है ये। इसके साथ में फ्रांस में आप देखेंगे सेंट्रल मैसिफ है, जर्मनी का पड़ोसी है फ्रांस, फ्रांस में मिलेगा सेंट्रल मैसिफ, सेंट्रल मैसिव, तो पठार है सेंट्रल मैसिव। इसके साथ अगर आप तुर्की देखेंगे, तुर्की ये वाला इलाका है, तुर्की फ्रांस कर लीजिएगा ब्रैकेट में, सेंट्रल मैसिव के पास ब्रैकेट में करिएगा, कहाँ पे सेंट्रल मैसिव, फ्रांस में है, तुर्की में। तुर्की में कौन सा मिलेगा आपको, तो तुर्की में मिलेगा अन्नातोलिया का पठार, ये तुर्की है, तुर्की का नाम ही है अन्नातोलिया, पुराना नाम है अन्नातोलिया, अन्नातोलिया का पठार। तो टारस पर्वत पॉन्टिक पर्वत के बीच में है, दोनों पर्वतों के बीच में अन्नातोलिया का पठार है, तुर्की की राजधानी अंकारा अन्नातोलिया के पठार में ही बसा हुआ है, कोयला भी मिलते हैं अन्नातोलिया के पठार में। इसके अलावा बहुत सारे धातुएं मिलते हैं जिसमें फास्फेट भी है। फिलहाल अन्नातोलिया शब्द जब भी आएगा याद रखेंगे आप तुर्की, टर्की इंग्लिश में, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का इस वाले इलाके मिलेगा आपको किमरल्ले, किमरल्ले पठार कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, किस लिए जाना जाता है, हीरा के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया का जो हिंद महासागर वाला सेक्शन टच कर रहा है अर्थात वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मिलेगा किमरल्ले का पठार, किस लिए जाना जा रहा है बोलना है, हीरे के लिए, किमरल्ले हीरे का पर्यायवाची बन गया किमरल्ले, जहां भी किमरल्ले आएगा वहां पे हीरा समझना है आपको, ये हो गए। अब दो तीन छोटे छोटे पठार देख लीजिए आप फिलहाल, इसके बाद थोड़ा बड़ा पठार देख लेंगे, ये है भारत के पड़ोसी में, चलिए सेक्शन को काट के बना लेते हैं। देखिए म्यांमार दिखेगा भारत का पड़ोसी, म्यांमार में एक शान का पठार, शान का पठार कहाँ पे है, म्यांमार में। फिर म्यांमार के पड़ोस में देखेंगे आप थाईलैंड दिखाई देगा, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है, तो सियाम का पठार यहाँ लिखेंगे, शान का पठार कहाँ पे है, म्यांमार में है, टेंगू योमा अराकान योमा पर्वत के बीच में मिलेगा शान का पठार। सियाम का पठार कहाँ पे है, तो थाईलैंड में है, इसी के पड़ोस में, सियाम, सियाम किसका नाम है, थाईलैंड का नाम है, तो ये दो कर लेंगे। एक है पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान है, देखिए पाकिस्तान के यहाँ पे मिलेगा पोटवार का पठार, पोटवार पठार, सिंधु नदी बह रही है, तो उत्तर पाकिस्तान मिलेगा आपको पोटवार का पठार, साल्ट रेंज इसी में है, पोटवार के पठार में, पोटवार का पठार पाकिस्तान करना आपको। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में दो बड़े बड़े पठार हैं, अगर दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे आप, दक्षिण अमेरिका में दो पठार मिलेगा, एक तो आपको एंडीज पर्वत का हिस्सा ऐसे करेंगे अर्जेंटीना में, त्रिकोण के आकार का, ये त्रिकोण दक्षिण के पठार के जैसा है, त्रिकोण आकृति का है, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है, ये भी नोट करना आपको, अर्जेंटीना में है।
कहाँ पे अर्जेंटीना? दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट में है। मैप है दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट है। पेंटागोनिया का पठार है, तो पेंटागोनिया का पठार काफी बड़ा पठार है, 6,70,000 वर्ग किलोमीटर का पठार है। और शुष्क क्षेत्र है, वर्षा कम होते हैं, वर्षा काफी कम होते हैं। विश्व में सर्वाधिक लंबाई के लोग इसी पेंटागोनिया के पठार में मिलते हैं। फिर दूसरा इथोपिया हाईलैंड मिलेंगे। पेंटागोनिया के पठार के ऊपर में फिर घास का मैदान स्टार्ट होता है, पंपास ग्रासलैंड। पंपास ग्रासलैंड के बाद जो ब्राजील है, ब्राजील में एक पठार है ब्राजीलियन हाईलैंड, इसे बोला जाता है ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन उच्च भूमि या हाईलैंड। जब भी हाईलैंड आएगा, हाईलैंड मतलब ऊंचा भूमि, ऊंचा भूमि मतलब पठार, तो ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये भी एक पठार है। और ये 19 लाख वर्ग किलोमीटर का है, काफी बड़ा पठार है, 19 लाख वर्ग किलोमीटर। कहाँ पे है तो बोलना है ब्राजील में है। कहवा के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, कहवा और कोको। वर्ल्ड में सबसे अधिक कहवा इसी ब्राजीलियन हाईलैंड में होते हैं, और एक्सपोर्टर भी है ब्राजील कहवा का, इससे कॉफी बनता है, कहवा अर्थात कॉफी। तो बस यही है, एक साइड 19 लाख वर्ग किलोमीटर दिख रहा है ब्राजीलियन हाईलैंड, तो पेंटागोनिया 6,70,000, कोलोराडो का पठार C4, कोलोराडो का पठार C4, कोलंबिया का पठार। कोलोराडो का पठार बड़ा है, 3,70,000 वर्ग किलोमीटर का है, और कोलंबिया का पठार कोलोराडो के पठार से छोटा है। मैक्सिको का पठार इन सबसे बड़ा था, मैक्सिको का पठार ऑलमोस्ट 6 लाख वर्ग किलोमीटर का है। मैक्सिको का जब भी नाम आएगा M4 मैक्सिको, और दो सी हो गए कोलोराडो कोलंबिया, तो सबसे बड़ा मैक्सिको का करना है। पूरा साइबेरिया का पठार है, साइबेरियन पठार, साइबेरिया पठार रूस में है। तो एक बार अरेंज कर लेते हैं इसको, पठारों को कैसे अरेंज करना है और कौन से पठार कहाँ पे हैं, ये भी विशेष करके मरल्ले ऑस्ट्रेलिया में याद कर लेंगे। कटंगा कहाँ पे है? कटंगा कांगो में है। अरेंज करना है तिब्बत का पठार, सबसे बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहता है वो सबसे बड़ा रहता है, तिब्बत का पठार हो गया। फिर इसके बाद करना, अगर पूछता है मैक्सिको का पठार, तो मैक्सिको का पठार फिर मुंह खोल लेंगे। इसके बाद कोलोराडो का पठार है, फिर मुंह खोलना है, फिर कोलंबिया का पठार। फिर पूछता है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार, फिर डक्कन का पठार, और इन सबसे बड़ा है आपका ब्राजीलियन हाईलैंड। ये सारे का क्षेत्रफल संभव नहीं है, बस एक अनुमान लगाना है खासकर मैपिंग में कि कहाँ पे है, इसी से पता चलेगा। पेंटागोनिया अर्जेंटीना के आधे से भी अधिक भाग में है, इसी तरीके से ब्राजीलियन हाईलैंड, ये भी आपका बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ब्राजील के भारत से ही बड़े क्षेत्रफल में आता है कटपट के, लेकिन फिर भी 19 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगता है कि 19 लाख का है कि 27 लाख वर्ग किलोमीटर का है, बस एक अनुमान लगाना है आपको। बस यही है आज के लिए, तब तक के लिए बने रहिए टू डू आई एस में।